सियासत में चमत्कार कोई नई बात नहीं। सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए। दुश्मन का दोस्त बनना भी कोई नई बात नहीं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे। लेकिन जब अखिलेश यादव मायावती के घर जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे तो विरोधी पार्टियां हैरानी से देख रही थीं। अखिलेश ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दूसरे बड़े ध्यान से सियासत के बदले मिजाज को देख रहे थे। मायावती अपना 63वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बधाई देने के लिए पोस्टर बैनर लगा रखे हैं। ऐसे में मायावती ने अपने समर्थकों से तोहफे में लोकसभा चुनाव में जीत मांग ली। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। दरअसल बीएसपी अपने जन्म के समय से ही सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट से एक भी उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी कुछ कमाल नहीं कर सकी। ऐसे में सत्ता से दूर रहकर मायावती के लिए इतनी बड़ी पार्टी को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे तूफान से बीएसपी को निकालने के लिए मायावती ने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की खौफनाक यादों को पीछे छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना बेहतर समझा। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि अकेले बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मायावती ने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। दोनों पार्टियों ने यूपी में 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो दो सीटें रायबरेली और अमेठी बिना गठबंधन के ही कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने गणित लगा दिया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुरानी रंजिश भुलाकर सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने की अपील की है, जिससे हाथी दोबारा ताकतवर बन सके और वो अपना अधूरा सपना पूरा कर सके।